बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में देखा किस प्रकार हम नई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें किसी डिजाइन का प्रीव्यू अपने क्लाइंट को भेजना है या कहीं दूसरी जगह प्रेजेंटेशन में दिखाना है। तो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका रहता है कि हम उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को दिखाएं। इसके लिए आपको फाइल पर जाना है और यहाँ आपके पास पब्लिश टू पीडीएफ के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसका प्रयोग करें, पब्लिश टू पीडीएफ करें, आपके पास जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी और आप पीडीएफ फॉर्मेट जो कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, सबसे हल्का फॉर्मेट रहता है इंटरनेट पे फाइल भेजने के लिए, तो बेहतर रहता है कि आप हैवी से हैवी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करें और उसे भेजें ताकि आप करेक्शन को आसानी से समझ के उसे ठीक कर पाएं या अपनी प्रेजेंटेशन को दे पाएं। देखें, यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है पहले से। मैं डी ड्राइव पे जाता हूँ और यहाँ से कोरल आउटपुट नाम से जो फाइल है इसमें पंपफ्लेट डिटेल के नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ये फोल्डर मेरे पास यहाँ नीचे की तरफ खुला हुआ है। मैं यहाँ से डी में जाता हूँ और यहाँ से कोरल आउटपुट में जाकर आप देखेंगे पीडीएफ फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है। अगर इस फाइल का साइज देखें तो 1.18 MB है केवल। मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ तो अब देखें आपके पास जो आपने डिज़ाइन तैयार किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपने क्लाइंट को एक प्रीव्यू दे सकते हैं अपनी ड्राइंग का। कुछ भी मॉडिफिकेशन है उसके बाद आप उसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट को भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप फाइल में प्रिंट की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप बेसिक प्रिंटर की सेटिंग, हालांकि मेरे कंप्यूटर में अभी कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, लेकिन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सिलेक्ट करें। आप पेजेस की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, प्रिंट रेज डिफाइन कर सकते हैं, क्या करंट डॉक्यूमेंट करना है या सभी डॉक्यूमेंट्स करने हैं या केवल करंट पेज करना है या आप एक से अधिक पेज करना चाहते हैं, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नंबर ऑफ कॉपीज भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू के रूप में यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक प्रिंट प्रीव्यू पैनल ओपन हो जाता है जिससे मैं अपनी फाइल का प्रीव्यू देख सकता हूँ कि क्या वो पेपर में किसी एरिया से बाहर तो नहीं जा रही। अगर ऐसा कुछ है तो उसको मैं सेटअप कर सकता हूँ यहाँ से और अपनी पिक्चर को या इमेज को या ड्राइंग को उस पर्टिकुलर पेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ ताकि वो उस बॉर्डर के अंदर ही रहे और पिक्चर कहीं से भी कटे ना। इन सब सेटिंग्स को देखने के बाद मैं प्रिंट प्रीव्यू बॉक्स को क्लोज भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू क्लोज कर सकता हूँ क्लिक करके या ऑल्ट सी का प्रयोग भी कर सकता हूँ। अब देखेंगे वापस कोरल ड्रा में हम आ गए हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट सेटिंग्स कर सकते हैं, जो बेसिक सेटिंग्स हैं किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में भी की जाती हैं प्रिंटिंग के लिए और प्रीव्यू के लिए। तो इस प्रकार हम अपनी फाइल को पब्लिश कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और साथ ही प्रिंट की बेसिक सेटिंग्स के साथ पेपर प्रिंटिंग देख सकते हैं किस प्रकार की डिजाइनिंग हमारी पेपर में दिखाई दे रही है। धन्यवाद।